Good morning, students, and welcome to DSS online classes. Students, I am your English teacher, Nazim Nas. Now, let me start your chapter. This is your second unit. All of you look at the board. This is your second unit and chapter 3. Okay? And chapter name is I am lucky. Students, इसमें I am lucky की बात हो रही है. I am lucky का मतलब होता है मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ. Lucky means होता है भाग्यशाली. और ये लड़की कह रही है इस poem के according. All of you listen very carefully. इस पोयम में लड़की जो है उसकी बहुत ही एम्बिशियस रहती है. वो अपने आप को लकी मानना चाहती है. वो चाहती है कि काश मैं चिड़िया होती, काश मैं बटरफ्लाई होती, एलिफेंट होती. उसके बहुत सी थिंग्स होते हैं बट वो तो लड़की ही है. सो लेट्स स्टार्ट योर पोयम. फर्स्ट स्टैंजा इज इफ आई वर अ बटरफ्लाई. अगर मैं बटरफ्लाई होती आई वुड बी थैंकफुल. तो मैं शुक्रिया करती फॉर माय विंग्स कि मेरे परों के लिए. विंग्स मीन्स होता है पर. आप अपने स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको बटरफ्लाई शो हो रहा है और वो उसके विंग्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है. अपने उस विंग्स के लिए वो थैंक यू कह रही है कि उसके पास विंग्स है. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड एंड योर टॉप वर्ड इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली. एंड थैंकफुल मीन्स होता है शुक्रिया. विंग्स मीन्स होता है उसके पर. आई वुड बी थैंकफुल. वो शुक्रिया अदा करती है फॉर माई विंग्स, अपने परों के लिए. ओके. एंड योर सेकंड स्टैंजा इज इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री. अगर मैं पेड़ पर बैठी मैना चिड़िया होती आई वुड बी थैंकफुल. तो मैं शुक्रिया करती दैट आई कुड सी, कि मैं गा सकती हूँ. इसलिए चिल्ड्रंस मैना, मैना एक बर्ड होती है. इसकी वॉइस जो है, आवाज जो है बहुत ही तेज लाउड होती है. एंड योर टॉप वर्ड इज मैना. मैना एक बर्ड है. ट्री ट्री मीन्स पेड़. थैंकफुल अगेन थैंकफुल. थैंकफुल मीन्स होता है शुक्रिया. सिंग मीन्स होता है गाना. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ पे वो मैना बर्ड है. अगर वो लड़की यही सोच रही है कि अगर मैं मैना बर्ड रहती तो मैं यहाँ वहाँ पेड़ पे जाती, बैठती और मैं गा सकती. अगर वो तितली होती तो वो अपने विंग्स से परों से उड़ सकती और वो फूलों पे भी जाके बैठ सकती. ये बस उसकी इमेजिनेशन है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट स्टैंजा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर थर्ड स्टैंडर्ड इज इफ आई वर अ फिश इन द सी. अगर मैं मछली होती. वो कह रही है अगर मैं समुद्र में मछली होती. सी मीन्स होता है समुद्र. अगर मैं मछली होती आई वुड बी थैंकफुल. तो मैं शुक्रिया करती दैट आई कैन रिगल. रिगल मीन्स होता है मूव करना. जो मछली इधर से उधर जल्दी जल्दी इधर उधर मूव करती है लेफ्ट एंड राइट, उसको हम लोग कहते हैं रिगल. एंड गिगल. गिगल मीन्स होता है गुदगुदाना. विथ ग्ली. ग्ली मीन्स होता है खुश. खुश, खुशी. ओके. इसमें वो सोचती है अगर वो मछली होती तो वो थैंकफुल होती. वो शुक्रिया अदा करती कि वो रिगल भी कर रही है, गिगल भी कर रही है और गिल भी कर रही है. रिगल मीन्स होता है, मैंने आपको बताया ना, मूव करना, इधर उधर ट्विस्ट करना, घूमना. वो मछली को आप देखते ना मछली से इधर उधर. आपने अगर तालाब में भी मछलियां देखी होंगी तो मछलियां आराम से इधर उधर घूमती है, तैरती है और गिगल करती है. वो अपने आप गुदगुदी महसूस होता है उनको. वो खुशी से इधर उधर झूमती है. एंड योर टफ वर्ड इज सी. सी मीन्स होता है समुद्र. रिगल मीन्स होता है ट्विस्ट, मूव करना, टू मोमेंट. गिगल मीन्स होता है गुदगुदी. ग्ली मीन्स होता है खुशी. एंड योर फोर स्टैंडर्ड इज सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. और वो लड़की खुश रही है और बोल रही है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ही हूँ. ओके. वो ये सोच रही है कि वो लड़की ही है, ना कि वो बटरफ्लाई है, ना ही वो मैना बर्ड है और ना ही वो फिश है. नॉट यू, तुम जैसा नहीं, बट मी, मतलब मैं मेरे जैसा. वो अपने आप को कह रही है मैं तुम जैसी नहीं हूँ बट मैं हूँ. जो मैं हूँ वो वही कह रही है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा. Now we are going to your next stanza. And your fifth stanza is, if I were an elephant, अगर मैं हाथी होता, I would be thankful. तो मैं शुक्रिया करता.
दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, और वो अपना सुर उठा सकता. रेज मतलब होता है उठाना, ट्रंक मतलब होता है सुर. ओके, रेज मतलब उठाना, जिसने अपने सुर को उठाया हुआ है. ओके, यहाँ पे वो एलिफेंट कह रहा है, आई इफ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं हाथी होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं शुक्रिया करता, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, कि मैं अपना ट्रंक उठाता हूँ, मतलब उठा सकता हूँ. आप देखते हैं एलिफेंट अपना ट्रंक उठाता है, ट्रंक से अब वो पानी भी पीता है, मूव भी कर सकता है, वो अपने ट्रंक से खाता भी है, वो अपने ट्रंक से पेड़ की पत्तियों को भी तोड़ सकता है, इसलिए वो थैंकफुल कहता है. ओके, एंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड, इफ आई वर अ एंड कैंगरू. स्टूडेंट्स, नाउ आई क्लियर दैट कैंगरू हम इंग्लिश में बोलते हैं और कंगारू को हम हिंदी में बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. इफ आई वर अ कैंगरू, अगर मैं कैंगरू होता, मींस अगर मैं एक कंगारू होता, आई वुड ट्राई टू हॉप, मैं कोशिश करता. ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, मैं कोशिश करता कूदने की. हॉप मींस होता है कूदने की, उछलने की. आप देखते हैं ना कैंगरू कितना तेजी से ऊंचा ऊंचा जंप करता है, वो उछलता है राइट अप टू द मून, और वो सोचता है कि मैं ट्राई करता कूदने का और मैं कूदते हुए मून पे पहुंच जाता, मून तक कूदने की वो कोशिश करता है. दैट थिंग, ये वो सोचता है. ओके स्टूडेंट्स, कैंगरू मींस कंगारू. इंग्लिश में हम कैंगरू बोलेंगे और हिंदी में कंगारू बोलेंगे. हॉप मींस होता है कूदना, ट्राई मींस कोशिश करना, मून मींस चांद. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड. ओके स्टूडेंट, नाउ योर सेवेंथ स्टैंडर्ड इज, इफ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं ऑक्टोपस होता. ऑक्टोपस मींस होता ऑक्टोपस, आपने ये एनिमल देखा है. ओके स्टूडेंट, ऑक्टोपस जो है वो एक्वाटिक एनिमल है. ओके, बड़े बड़े समुद्र में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है ऑक्टोपस. इफ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं शुक्रिया करता, फॉर माई एट आर्म्स, कि मेरे पास, कि मेरे आठ आर्म्स है. आर्म्स, उसके पास एट आर्म्स रहते हैं. एट आर्म्स मीन्स क्या होता है, बा. उसके पास आठ बाएं होती है, वही उसका हाथ भी होता है ऑक्टोपस का. तो हमारे पास तो टू है, और ऑक्टोपस के पास कितने है, एट है. वो अपने आठ हाथों से बहुत सा वर्क वर्क कर सकता है अपने खुद के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. और वो लड़की सोच रही है और बोल रही है कि मैं थैंकफुल हूँ, कि मैं थैंक यू, शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ही हूँ, नॉट यू बट मी. मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मैं मुझ जैसी हूँ. वो खुद को ही कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं वैसी ही हूँ. ओके स्टूडेंट, नाउ योर लास्ट स्टैंडर्ड इज, व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, मतलब आप क्या सोचते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कैसा बनना चाहते हो. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरे जैसा चाहते हो बनना. वो ये कह रहा है, आप मेरे जैसा चाहते हो बनना, और जस्ट यू, या फिर वैसा ही रहना चाहते हैं, जस्ट यू, जैसा कि तुम हो. ओके, आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पोयम, एंड ऑल ऑफ यू रीड दिस पोयम वेरी केयरफुली. सो स्टूडेंट, दिस पोयम इज योर कंप्लीट. आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग्स एंड टफ वर्ड्स. मैंने आपको ये सारे टफ वर्ड्स जो है अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. आई होप सो आपको ये अच्छे से पोयम समझ में आया हो. नाउ वी विल मीट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज योर क्वेश्चन आंसर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय किड्स.